Good morning, dear students. Say good morning, ma'am. How are you all? Give me reply. अब तो मैं थोड़ा सा पोज लूंगी, रुकूंगी ताकि आप रिप्लाई कर दो. How are you? सब बोलो. I'm fine. Thank you. Ma'am, what is your name? बोलो बोलो. My name is, जो भी आपका नाम. चलो आज छोटा सा टेस्ट ले लेती हूँ. Which number is this? जल्दी बोलो. विच नंबर इज दिस? नंबर वन. देखिए नंबर वन के पीछे कितनी पिक्चर है? ओनली नंबर वन. चलिए नाउ टेल मी विच नंबर इज दिस? नंबर टू. टू. विच नंबर इज दिस? नंबर टू. नंबर टू के पीछे कितनी पिक्स हैं? चलो काउंट करो. वन टू. देखिए वन टू. टू. अब है नंबर थ्री. अब मैडम नहीं बताएंगे, अब आप बताएंगे कौन सा है ये. विच नंबर इज दिस? मैंने ही बोल दिया नंबर थ्री. नाउ काउंटेड हाउ मेनी पिक्चर्स आर देयर? वन टू थ्री. नेक्स्ट नंबर आप बताइए. विच नंबर इज दिस? नंबर फोर. हाउ मेनी पिक्चर्स आर देयर? काउंटेड वन टू थ्री फोर. नाउ नेक्स्ट नंबर, नंबर फाइव. विच नंबर इज दिस? नंबर फाइव. ओके काउंट विद मी हाउ मेनी पिक्चर्स आर देयर? वन टू थ्री फोर फाइव. तो ये था हमारा नंबर फाइव. अब वन टू थ्री फोर फाइव. फाइव के बाद कौन सा नंबर आता है बच्चों? नंबर सिक्स. विच नंबर इज दिस? नंबर सिक्स. नंबर सिक्स. तो चलिए इसके पीछे पिक्चर्स हैं तो काउंट करते हैं. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. तो ये तो था हमारा रिकॉग्नाइजेशन सेक्शन. अब हमें लिखना कैसे है वो हम आपको बताते हैं. देखिए मेरे पास मैथ्स की नोटबुक है. जो बॉक्स वाली नोटबुक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैथ्स की नोटबुक, राइट? तो नंबर फाइव सीखा था, अब हम सीखेंगे नंबर सिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आप डियर पेरेंट्स देख लीजिए कि हम डॉट्स कैसे लगाते हैं. इसके डॉट्स स्टैंडिंग ओवेशन में नहीं होते, थोड़े स्लैंटिंग लाइन की तरह होते हैं. देखिए ये बॉक्स है, इसके थोड़ा सा नीचे से हमने शुरू करना है एक, ठीक है, ये वाला. और स्लैंटिंग में मतलब टेढ़ा एक डॉट लगाया हमने इस लाइन की एज पे, मतलब किनारे पे. तो अब कैसे दिखना है हम आपको बताते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन दिस डॉट्स एंड हाफ कर्व नंबर सिक्स. फिर से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन द डॉट्स एंड कर्व नंबर सिक्स. फिर से देखिए, ज्वाइन द डॉट्स नाउ हाफ कर्व, इट्स अ नंबर सिक्स. ज्वाइन द डॉट्स एंड कर्व इट नंबर सिक्स. फिर से देखिए, ज्वाइन द डॉट्स कर्व नंबर सिक्स. तो ये बन गया हमारा नंबर सिक्स. इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है. तो डू प्रैक्टिस एट होम. बाय बाय, टेक केयर.